Yeah, I've been good. Thank you so much. Hello, sir. I am Tanish Agarwal. I am from Press as well. We'll be taking your interview today. Thank you so much. I really love your smile, bro. Thank you. Yes, man. Yes. Okay. So, sir, today, as you've been here and you've attended one of our events, so how was the experience with Online Simpulse and how was it, everything? It was good क्योंकि जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स थे जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे उन लोगों की वजह से अच्छा हुआ. ऑब्वियसली अगर ये ऑफलाइन होता तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि ऑफलाइन होता तो और मज़ा आता है ना. बट कोई भी चीज़ ट्राई करो तो पता लगती है कि हाँ यार अच्छा यार ट्राई किया है ना. सो आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वेंचर. सर सो हाउ डिड यू गेट योर निकनेम मूफार्ड, वी वांट टू नो, बिकॉज़ ये थोड़ा यूनिक सा है. यार सो ओके अबाउट दिस नेम, ये नाम एक तो मैंने खुद ही रखा था, 2014 की बात है. सो आई स्टार्टेड टेकिंग माय लाइक म्यूजिक वेरी सीरियस ऑन अ प्रोफेशनल नोट कि नाउ आई हैव टू डू समथिंग इन इट ओनली. तो आई नीडेड अ नेम के क्योंकि गौरव नाम तो बहुत सारे लोगों का नाम है ना. गौरव, यू हैव टू हैव योर लाइक एन ऑल्टर ईगो, राइट? सो दैट वाज, बहुत सारे नाम इधर उधर टेढ़े टेढ़े आए मेरे दिमाग में. फिर मूफाड़ आया. सो मूफाड़ वाज समथिंग व्हिच गिव मी दैट क्लिक के ओके दिस इज इट द वाइब. या सो आई डिसाइडेड के ठीक है माय नेम. ऊपर से सबसे बड़ा रीजन ये है कि द कैरेक्टर आई एम इन माय लाइफ इज सॉर्ट ऑफ अ मूफाड़, राइट? लाइक एग्जैक्टली अ मूफाड़ के जो है मन में वो सामने बोलना है, उसको छुपाना नहीं है किसी भी रीजन से. जो सच है like, जो भी बात है वो दिल में नहीं रखनी. Yes, if you have seen my logo, usme bhi they are like wings in it, theek hai, in that logo. Wo freedom ke liye hai ki we all are free to speak anything we want, hai na? Yeah. Yeah, so that's that one. Okay, sir, so moving on to the next question. आपने अपनी journey start कर दी थी at the age of 10, आपने stage performances start कर दिए थे इतनी छोटी सी age में. So बहुत जब छोटा भी था तो डांस परफॉर्मेंसेस करी मैंने, कुछ चीजें कुछ फ्रेंड्स फैंसी ड्रेस वाली भी की मैंने स्कूल टाइम पे, राइट? चाचा नेहरू बना था मैं. तो वो सब चीजें करने के बाद मेरे को थोड़ा सा हो गया था कि हाँ ठीक है, वो क्या आई कैन लाइक entertain people on stage, है ना? फिर उसके बाद जब मैं म्यूजिक में आया तो वहाँ से डिफरेंट थोड़ी सी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुए इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग लाइव. तो काफ़ी सारे शोज करे मैंने, लाइक स्टार्टिंग के 6 साल 8 साल में मैंने काफ़ी शोज करे. तो उसके बाद फिर आई वाज लाइक के स्टेज से प्यार है, डर नहीं है. Sir, so the next question is like apart from singing and rapping, aapki aur kya kya hobbies hain? Yaar, meri hobbies mein aata hai, I love playing pool, I love playing digital games, right? So, to be very honest, I also love playing pool. Yes, man. Yeah. वाला हम समझ सकते हैं क्या कीड़ा होता है ना ये वाला. हाँ. खेलने वाला. So pool खेलना पसंद है मुझे. उसके अलावा अभी मैं थोड़ी कुछ नई हॉबीज ट्राई कर रहा हूँ अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने के लिए, दैट इज के रीडिंग एंड वॉचिंग थिंग्स, क्योंकि आई एम वेरी बैड एट वॉचिंग. लाइक मेरा ना अटेंशन स्पैन इतना कम है ना, बहुत ही कम है. तो कोई भी चीज़ अगर देखनी है तो दैट हैज़ टू बी इंटरेस्टिंग, तभी मैं उसको देख सकता हूँ. वरना मेरे को बहुत ज़्यादा माइंड मेकअप करना पड़ता है कोई भी, चाहे कोई म्यूजिक वीडियो हो, चाहे कोई वेब सीरीज हो, चाहे कोई मूवी हो, कोई भी विजुअल होगा तो मेरे को देखने के लिए बहुत अटेंशन चाहिए, ऐसा सीन होता है. या सर, आपके इतने सारे फेमस सॉन्ग्स हैं, व्हाट इज वन ऑफ योर मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स दैट यू सांग, या फिर कोई ऐसा आर्टिस्ट जो आपकी इंस्पिरेशन रहा हो? तो ये दोनों बहुत अलग अलग ऑप्शंस दे दिया आपने मेरे को. जहां तक बात मेरे अपने पर्सनल फेवरेट की है तो सही बताऊं तो मेरे को इफ आई हैव टू लाइक नेम अ ट्रैक तो दैट कुड बी बैकफ्लिप. बैकफ्लिप क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया एंड मेरी उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी उस गाने से, ठीक है? तो वो काफी ज्यादा अच्छा लगा लोगों को, तो आई वुड लाइक से कि बैकफ्लिप मेरा फेवरेट ट्रैक है. सर, मैंने अभी आपका रिसेंटली गाना सुना था, दमदम. दैट वाज दमदम. या ओके, सो सैल्यूट टू यू सर. थैंक यू सो मच.
सर मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि लाइक अभी रैपर्स बहुत ज्यादा हार्डशिप्स फेस करते हैं बिकॉज ये इंडस्ट्री लाइक बहुत क्लोज है, तो आपने क्या क्या हार्डशिप्स फेस करी? यार मैंने हार्डशिप्स देखो जैसे बोलते हैं ना कि कुछ लोग स्ट्रगल स्ट्रगल करके आते हैं, कुछ लोग हार्डवर्क से आते हैं, मतलब दोनों पैरेलल ही चलता है आपके लाइफ में, बट कुछ चीज आप ज्यादा कर रहे होते हैं। जैसे मेरी लाइफ में मैंने मेहनत ज्यादा करी है, स्ट्रगल कम किया है, राइट? तो मैं अपने इसमें कोई भी हार्डशिप्स में इसको कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि समवेयर आई न्यू कि जिस रास्ते पे मैं चलने वाला हूँ वहाँ पे ये दिक्कतें आएंगी आगे जाके, और वही चीजें आ रही थी। सो आई वॉज लाइक आई वॉज अवेयर के ठीक है जो मेरे साथ हो रहा है एटलीस्ट मुझे पता तो है, क्योंकि आप डरते तब हो जब समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना? तो हार्डशिप्स तो नहीं, मतलब रही हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता वो हार्डशिप्स के बारे में ना बात करना। Hardships, you worked hard for it. Yeah, I worked my ass, मतलब मैं अभी भी वही कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी काम में ही जितना हो सकता है कोशिश करता हूँ कि उसमें इंडल्ज रहूँ। Yeah. So sir, this has been a lovely session. Question that, okay. So sir, this has been a lovely session. And sir, one last question from our associate sponsor. Yes. Like, who do you want to give credit to this success? Like, आप किसको credit देना चाहोगे? To this success, there are many people, man. How can I like name one? There are many people, but सबसे पहला मैं देना चाहूंगा क्रेडिट अपने डैड को, क्योंकि उन्होंने बहुत ऐसे टाइम पे सपोर्ट किया जब कोई नहीं कर रहा था, राइट? एंड इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम पीपल अराउंड यू, तो आई वुड लाइक टू लाइक थैंक माय डैड फॉर दिस थिंग आई एम लिविंग, है ना? उसके अलावा काफ़ी यार दोस्त हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो आते जाते रहे हैं लाइफ में, इवन जो मेरी लाइफ में लोग नहीं हैं मैं उनको भी थैंक करना चाहूँगा कि कोई ना कोई मेरी लाइफ में किसी ना किसी टाइम पे रहा है और किसी रीजन की वजह से रहा है, तो सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, मोटिवेशन मिली है, एंड दैट्स लाइफ आई बिलीव। सर दिस वाज लवली स्पीकिंग टू यू एंड इट वाज लवली टू हैव यू हियर, द पार्टिसिपेंट्स वर वेरी हैप्पी, सब आपके बहुत बड़े फैंस हैं एंड आपको यहां पे देख के एंड आपने उनको जज किया, इट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर देम, सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस हियर। माय प्लेजर, माय प्लेजर।